देखो यहाँ पे हमने पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पास लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर दिस लाइन। ठीक है, लाइन क्या गिवन हमें, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की स्लोप हम मान लेते हैं एम वन है और वो क्या आ जाएगी यहाँ से 3। एंड इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन लिखनी है जिसकी स्लोप हमारे पास एम टू हम एज्यूम कर लेते हैं। तो टू परपेंडिकुलर लाइन जिनकी स्लोप एम वन एंड एम टू है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए माइनस वन। तो एम वन यहाँ पे 3 है तो एम टू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई 3। एंड वो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है माइनस टू को माइनस फोर से। तो देखो इक्वेशन लिख सकते हैं, स्लोप है एंड पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन यानी कि माइनस माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप क्या है माइनस वन बाई 3। एंड x माइनस एक्स वन क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y प्लस 12y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2। तो यह आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जो कि माइनस 2,3 से पास होगी और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर सकते हो इस लाइन की स्लोप क्या है 3 और इस लाइन की स्लोप क्या है माइनस वन बाई 3। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन आ रहा है, यानी कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास भी हो रही है। ठीक है, इजी है।